हेलो दोस्तों, अगर आपने एक न्यू कंप्यूटर लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है सीपीयू को स्क्रीन से मॉनिटर से कैसे कनेक्ट करें, कौन से केबल को किस पोर्ट में लगाना है, कीबोर्ड को कहाँ लगाना है, माउस को कहाँ लगाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ, किस केबल को किस पोर्ट में लगाना है। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, आपको ए टू जेड जानकारी पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सीपीयू को मॉनिटर से कैसे कनेक्ट करना है, कौन से केबल को किस पोर्ट में लगाना है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। जैसे सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की होना ज़रूरी है, तो गाइस आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए एक कीबोर्ड, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कीबोर्ड है, और आपके पास दूसरा होना चाहिए एक माउस, आप देख सकते हो इस तरीके से है। इसके बाद आपके पास, अगर आप HDMI केबल है, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो प्रोजेक्टर पे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। एंड यहाँ पे आपको दो पावर केबल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पावर केबल है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पावर केबल दिखता है, दो पावर केबल की ज़रूरत पड़ती है। और एक आपको VGA केबल की ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा एक सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, आपने जान लिया किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाला है सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं सीपीयू के बारे में कुछ जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ वाला बटन देखने को मिलेगा। जब आप इसे प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो यहाँ से आपको रेड कलर का बल्ब जलता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब पीछे के साइड कुछ पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पावर पोर्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पोर्ट है जो काफ़ी साल पहले कीबोर्ड और माउस के लिए दिया जाता था, तो अब इसका कोई काम नहीं है इस पोर्ट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है VGA पोर्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है HDMI पोर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार USB पोर्ट हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं LAN पोर्ट भी है इंटरनेट के लिए। अगर आप केबल के थ्रू इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैन पोर्ट है। आप ये वाला जो केबल है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लैन पोर्ट कुछ इस तरीके से होता है। तो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो के लिए है, तो इतना कुछ काफ़ी है। तो चलिए मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। तो गाइस, आपने जान लिया सीपीयू के पोर्ट के बारे में, तो चलिए एक बार देख लेते हैं मॉनिटर में कौन कौन सा पोर्ट होता है, ताकि आपको आगे आसान हो समझने में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार पोर्ट है टोटल। पहला है HDMI पोर्ट, दूसरा है VGA पोर्ट, और तीसरा है ऑडियो। अगर आपका पुराना वाला मॉनिटर है तो उसमें ऑडियो का नहीं हो सकता है, या फिर न्यू वाला भी है तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पावर पोर्ट है, तो आपके वाले मॉनिटर में कुछ इस तरीके का भी पावर पोर्ट हो सकता है। तो चलिए अब दोनों को कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर और सीपीयू में कौन से केबल को किस पोर्ट में लगाना है सीखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पावर केबल लगाएंगे। कुछ इस तरीके का पावर केबल दिखता है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले हम सीपीयू में पावर केबल लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो आपको अच्छे से लगाना है। तो सीपीयू में पावर केबल लगा दिए हैं, और दूसरा पावर केबल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, या फिर आपके पास दो पावर केबल कुछ इस तरीके का ही होगा। तो दूसरा पावर केबल हमें लगाना है मॉनिटर में, तो सबसे पहले इसके अंदर सारा केबल लगा देते हैं, उसके बाद फिर उधर देखेंगे। तो दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हो VGA केबल,
तो VGA पोर्ट में आपको एक हिस्से को लगाना है और दूसरे हिस्से को आपको मॉनिटर में लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लगाना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइव मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेट करके आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VGA केबल लग चुका है। अब दूसरे हिस्से को आपको लगाना है मॉनिटर में, तो इसको बाद में लगाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा माउस। माउस को यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लगाना है। ये रहा USB पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो चार USB पोर्ट है। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है, बहुत ही इजी है। अब आपको लगाना है यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड, कुछ इस तरीके से है। और इस पोर्ट को आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से USB पोर्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो, लगा दिया। उसके बाद गाइस, अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लैन पोर्ट है। अगर आप डायरेक्ट राउटर से केबल के थ्रू इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास लैन केबल होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसे आपको लैन पोर्ट में लगा देना है। या फिर अगर आप वायरलेस इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का डोंगल आता है, आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो इसे आपको यहाँ लगा देना है USB पोर्ट में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अगर आपके पास स्पीकर है, स्पीकर मशीन है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे पास है। अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑडियो आउटपुट और ऑडियो इनपुट। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से केबल लगा देना है। फ़िलहाल मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके बजाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, यहाँ पे आपको लगा देना है। ओके, तो इतना कुछ हो चुका है, लगभग सारा काम हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो पोर्ट बचा था, एक पावर केबल और ये दूसरा ये है VGA, तो ये आपको मॉनिटर में लगाना है। तो मॉनिटर में कैसे लगाएंगे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से पीछे के साइड कर लिया, आप देख सकते हो, और ये रहा पावर केबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पावर केबल बहुत ही इजी है लगाना, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो VGA केबल ये है। तो दूसरे वाले हिस्से को आपको मॉनिटर में लगाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो बड़े स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन को, लाइक प्रोजेक्टर पे या घर का टीवी पे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का HDMI केबल होना चाहिए, देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो आपको कुछ इस तरीके से लगाना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे लगाना होता है, और यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो इसे हमें अभी यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसे साइड कर देता हूँ। अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड और माउस है तो आपके पास कुछ इस तरीके का डोंगल आएगा, उसे आपको USB पोर्ट में लगा देना है और कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस सॉकेट से कनेक्ट करके पावर सप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो एक पावर केबल है मॉनिटर का और दूसरा है CPU का। तो अगर आपके पास UPS है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है UPS। तो आपको यहाँ पे कुछ सॉकेट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप। तो आपको सॉकेट में लगा देना है पावर केबल को, आप देख सकते हो मैंने मॉनिटर का लगाया, और ये रहा दूसरा CPU का, और ये है आप देख सकते हो ये है स्पीकर का। इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, अचानक लाइट कटने के बाद 10 से 15 मिनट तक CPU के माध्यम से आप कंप्यूटर चला सकते हो और ज़रूरी काम को कंप्लीट कर सकते हो, फाइल सेव कर सकते हो। ओके, तो इतना कुछ हो चुका है, सारा काम हो चुका है, बस अब आपको क्या करना है, ये जो है आप देख सकते हो पावर केबल,
यूपीएस का, इसे घर के जो मेन बिजली का बोर्ड है सॉकेट में आपको लगाना होगा। लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा यूपीएस का जो पावर बटन है, इसे आपको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आवाज़ होगा और यहाँ पे ग्रीन कलर का बल्ब जल जाएगा। बल्ब जलने के बाद पावर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएस को ऑन करने के बाद आपको अब सीपीयू का पावर बटन को प्रेस करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करना है। आप देख सकते हो रेड कलर का बल्ब जल गया, मतलब ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मॉनिटर है ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो लोड ले रहा है विंडो। ओके, तो गाइस कुछ इस तरीके से करके आप सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, अब इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रहा कीबोर्ड से और माउस की मदद से। तो गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डीएम भी करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और गाइस शेयर करने के लिए मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।